हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज़ में। आज क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत मैं चर्चा करने वाला हूं एक नए विषय के साथ। यह विषय है आपका पर्यावरण। जैसा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत सारे बच्चे इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, समय बहुत कम होता है, और इतने कम समय में इतने सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जब करना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे फैक्ट को बहुत कम समय में कम्प्लीट कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्विक रिविज़न सीरीज़ को प्रारंभ किया है। कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को कम से कम शब्दों में और एक डिटेल्ड वे में आप तक पहुंचा सकूं। यहाँ पर इसी माध्यम के तहत आपको इकोनॉमी का एक वीडियो मिल चुका होगा, और इसी कड़ी में अगला वीडियो, आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं, पर्यावरण के साथ। इकोनॉमी का जो बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीक में एक और वीडियो मिलने वाला है, जहां पर हम अगले टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, और उसी के साथ एक क्रमबद्ध तरीके से हम नए नए विषयों को लेकर यहां पर उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य से चर्चा करेंगे। कोशिश यही होगी कि 8 से 10 वीडियोज़ में एक एक सब्जेक्ट को कम्प्लीट कर लिया जाए, और इतने कम क्योंकि कम समय है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, खासकर प्री के सब्जेक्ट जहाँ पर आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट साइंस टेक और आपका इकोनॉमी का टॉपिक आता है। मूलतः अगर हम यूपीएससी के संदर्भ से बात करें तो यहाँ पर जो विषय सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आते हैं उसमें इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। और इसीलिए मेरा टारगेट होगा कि पहले मैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विक रिवीजन सीरीज़ करा पाऊँ। यहाँ पर 60-70% क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं, तो कोशिश ये होगी कि एक बेसिक अवधारणा आप तक पहुँचा सकूँ इन वीडियोज़ के माध्यम से। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। जिनको भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हों, इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको शेयर करें, एक दूसरे के साझा करें, समस्या सुने इसको सुने। और अगर आप इस वीडियो को एक बार से ज़्यादा देखें, कहने का मतलब है कि जैसे कि यदि आप कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने के पश्चात वहाँ पर हो सकता है उस एक पेज पढ़ने के पश्चात आपको 10% या 20% चीज़ें ही एक बार पढ़ने के बाद आती हों, लेकिन अगर हम उसी पेज को 2 बार या 3 बार या 4 बार पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड सभी प्रकार की नॉलेज आप तक हो जाती है, 70-80% तक चीज़ें। तो कोशिश ये करिए कि यहाँ पर जो समग्र अध्ययन आपको मिल जाता है, पर आपको किताबी ज्ञान लेने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये वीडियो एक से अधिक बार, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो वहां पर आपको उससे रिलेटेड सारी प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, वहां पर आपको इसका हल मिल जाएगा। तो आइए इसी संदर्भ से क्विक रिवीजन सीरीज के तहत आज हम इकोनॉमी से रिलेटेड इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमी की सीरीज के अंतर्गत आज पहला जो वीडियो है वो बेसिकली आपके एक बेसिक अवधारणाओं को लेकर है, जहां पर एनवायरमेंट का एक परिचय मैं लेकर आया हूं। एनवायरमेंट एक विषय के रूप में यहां पर कुछ बेसिक अवधारणाओं की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के साथ साथ हम यहाँ पर ये देखेंगे जैसे कि आपके पर्यावरण की संरचना क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत उसके अध्ययन क्षेत्र क्या आते हैं, पर्यावरण मानव के संबंध की चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि मानव का पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से किस क्या प्रभाव पड़े हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आज वर्तमान समय में मानव पर्यावरण के संबंधों को परिभाषित करने के लिए कौन कौन से यहाँ पर अवधारणाएँ विकसित की गई हैं और उन अवधारणाओं के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। धारणीय एवं अस्थायी विकास की बात की जाती है कि यहाँ पर मानव पर्यावरण के जिस तरीके से विकास एवं संतुलन की बात की जाती है, वहाँ पर इनके मध्य एक संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। संतुलन कैसा होना चाहिए, धारणीय विकास हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर क्या एक रूपरेखा है। साथ ही भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क 2018 से 2022 के बीच जो हालिया समय में विकसित हुआ है उसके अंतर्गत क्या क्या काम किए जाने हैं, और 2019 में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में क्या क्या सारी बातें हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच के यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी नॉलेज आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप ध्यान से इसे सुनिएगा, इन चीज़ों को सुनते चलिएगा। जिन्हें भी अपने नोट्स बनाने हैं तो आप इन्हीं वीडियो को सुनकर आप नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, या फिर आप इन्हीं वीडियोस को 2 बार 3 बार आप देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज प्रारंभ करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज के तहत पर्यावरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण से तात्पर्य क्या है, एक बेसिक अवधारणा समझ लेते हैं। पर्यावरण देखिए, एक अगर हम इसका संधि विच्छेद करके इसका तात्पर्य जानने की कोशिश करते हैं तो ये इसका मतलब होता है परिधन आवरण, अर्थात परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, अर्थात एक ऐसा आसपास का वातावरण जिसको चारों तरफ से ऐसे ढका हुआ। ढका हुआ किन चीज़ों से होता है, तो यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो एक परिभाषाएँ दी गई हैं, इन परिभाषाओं के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने बातें कही हैं। जैसे कि हम पर्यावरण को लेकर
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में एक बात कही गई है, एक परिभाषा दी गई है जिसमें कहा गया कि कोई एक पर्यावरण जो होता है जीव और उसके चारों ओर की जैविक और भौतिक दशाओं का एक अंतर संबंधित स्थिति को ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो यदि कभी आधिकारिक परिभाषाएँ लिखने को आ जाती हैं जैसे मेंस इत्यादि को लेकर, तो वहाँ पर जरूर पूछा जाएगा, लेकिन प्री में पर्यावरण की परिभाषाएँ नहीं पूछाएँ, लेकिन एक बेसिक संदर्भ से हमें जानना आवश्यक था, तो हमने उसके बारे में जान लिया। अब बात करते हैं कि पर्यावरण की संरचना को क्या है, अर्थात जो हमारे आसपास का जो भौतिक और जैविक स्थितियां हैं उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अर्थात ये पर्यावरण मिलकर किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण की संरचना है, पर्यावरण की संरचना जो होती है यहाँ पर तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है बेसिकली, आपका भौतिक संगठक, आपका जैविक संगठक और आपका ऊर्जा संगठक। भौतिक संगठक के अंतर्गत भौतिक इसी से हम अजैविक संगठक भी कहते हैं, ये तीन तरीके के हैं आपके, स्थल मंडली, जल मंडली और वायुमंडली। अर्थात स्थल मंडली के अंतर्गत आपके पर्वत, पठार, नदियाँ जो होती हैं, जल मंडल के अंतर्गत आपका नदियाँ, सरिताएँ, तालाब, सागर, और वायुमंडल के अंतर्गत आपका वायुमंडल जो आपका गैसें हैं वो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि जो वायुमंडल में आपकी गैसें हैं, इन तीनों ही चीज़ों को मिलाकर जो एक स्थिति बनती है उसे हम कहते हैं आपका भौतिक संगठक अर्थात अजैविक पर्यावरण यहाँ पर। इसके साथ साथ जैविक संगठक है, जैविक संगठक में आते हैं सभी प्रकार के जीव, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए जिनमें अर्थात जीवन व्यवस्था है, जिनका कह सकते हैं चलने फिरने वाले जीव आते हैं, जैसे आपके पशु हैं, पक्षी हैं, इसके अलावा मनुष्य, इन सभी तीनों चीज़ अर्थात पशु पक्षी, मनुष्य और पेड़ पौधे मिलकर यहाँ पर आपके जैविक संगठक का निर्माण करते हैं। और इन सभी चीज़ों को जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है वो होते हैं आपके ऊर्जा संगठक स्वरूपों के रूप में सौरिक और भूतापी। सौरिक का मतलब होता है जो सूर्य से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, और भूतापी से तात्पर्य है जो पृथ्वी के अंदर से जो होती है, जैसे कि आपको पता होगा जब आप भूगोल के अंतर्गत या एनवायरनमेंट के अंतर्गत ऊष्मा बजट आप पढ़ते हैं, तो ऊष्मा पृथ्वी का ऊष्मा बजट आप पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर बताया जाता है कि सूर्य से जो किरणें हमें प्राप्त होती हैं वो दिन के समय वहाँ पर पृथ्वी जो होती है उस पर वो उसको अवशोषित करते रहते हैं, और रात के समय में वो ऊर्जा जो होती है वो विस्तार कहते हैं विसरित कर देते हैं जो आपको वायुमंडल में चली जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके के दीर्घ और लघु किरणों के माध्यम से आपको सूर्य की ऊर्जा के स्वरूपों के स्वरूप साथ ही भूतापी ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने यहां पर देखा कि पर्यावरण की संरचना तीन घटकों से मिलकर है, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक, इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अतिरिक्त दो चीजें यहां पर और आती हैं, एक सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण, दूसरा संज्ञान पर्यावरण, ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण से तात्पर्य है एक ऐसा पर्यावरण जहाँ पर ये मनुष्य जो होता है, मनुष्य अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर सांस्कृतिक, निर्जातीय, धर्म, रीत रिवाज इत्यादि का एक समागम अर्थात एक विशेष समूह, बहुजातीय लोगों के साथ, बहुसंख्यक लोगों के साथ, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ मिलकर एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, एक कह सकते हैं समाज का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं सामाजिक पर्यावरण। और उसी के अनुरूप वहाँ पर उनके सारे मेलजोल बढ़ते हैं, व्यापार बढ़ता है, कारसियारे क्रिया कलापों का वहां पर कह सकते हैं समायोजन होता है, इसीलिए हम इसको सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद आता है संज्ञान पर्यावरण। संज्ञान का मतलब होता है नॉलेज बेस्ड, अर्थात वर्तमान समय में हमारे पास जो भी प्राकृतिक या भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं मनुष्य के द्वारा उनका किस तरीके से बेहतर प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है, अर्थात संसाधनों के बेहतर उपयोग से संबंधित नॉलेज को ही हम यहाँ पर संज्ञान पर्यावरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नदी है, उसके एक जल के रूप में एक संसाधन है हमारे पास, तो जल का हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जल एक संसाधन के रूप में पीने के पानी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यदि नदियों और यहाँ पर आपके सागरों में है तो उसको हम व्यापार के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कई सारे जीवों के मत्स्य पालन को लेकर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा नदियों पर बांध बनाकर उसका हम जल के रूप में विद्युत के रूप में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक संसाधन का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर हम चर्चा करते हैं, जिसको हम संज्ञान पर्यावरण कहते हैं। तो हमने समझा पर्यावरण के साथ तात्पर्य क्या है, और इसके साथ साथ पर्यावरण की संरचना किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर आपने देखा अजैविक, जैविक, ऊर्जा संगठक, इसके अतिरिक्त हमने सामाजिक और संज्ञान पर्यावरण को समझ लिया। अब आप बात करते हैं आपके अगले क्षेत्र की ओर, बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र, अर्थात जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं एक विषय वस्तु के रूप में, तो पर्यावरण के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों की नॉलेज वहाँ पर होती है, क्या क्या चीज़ें हमें कौन कौन सी वस्तुएँ या विषय वस्तु या टॉपिक्स को हम वहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से विषय वस्तु आते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए टॉपिक कुछ लिखे हुए हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र में पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इको सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इकोलॉजी के बारे में जानते हैं, सामुदायिक अंतःक्रिया अर्थात दो अलग अलग समुदायों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के बारे में पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जीव मंडल अर्थात यहाँ पर जो भी आपके जीव जंतु हैं वहाँ पर उनके मध्य जो भी स्थिति है, किस तरीके से उनके बीच एक संबंध है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम जीव मंडल का अध्ययन करते हैं, विश्व के प्रमुख जीवों में या बायोम अर्थात जैसे कि अलग अलग कह सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि आप देख सकते हैं विषुवतीय क्षेत्रों का, शीतोष्ण क्षेत्रों का, इसके अलावा टुंड्रा टैगा क्षेत्रों का, वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, वहाँ पर पाए जाने वाले आपके जीव जंतु, आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार के क्षेत्र हैं, इत्यादि चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है हम वहाँ पर जीवों के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है जैव विविधता और संरक्षण, तो जैव विविधता के अर्थात वहाँ पर अगर हम महाद्वीपों के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, इसके बाद जलवायु पेटियों के हिसाब से देख सकते हैं, तो विषुवतरेखीय क्षेत्र के आधार पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका जलवायु कैसा होता है, उस जलवायु के अनुरूप किस प्रकार के जीव होते हैं, कौन से वहाँ पर पर्यावरण या अर्थात वहाँ पर पेड़ पौधों का उपस्थिति पाई जाती है, और वहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन कैसा है, वहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे हैं, इन सारी चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं वहाँ पर ये आपके जैव विविधता के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन इन जैव विविधताओं के साथ क्या है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण या मानव के द्वारा किए गए कार्यों के कारण बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कई बार शिकार उनका किया जाता है या ग्लोबल वार्मिंग होती है, उनके वनों इत्यादि की कटाई हो जाती है जिसके कारण जीवों की विलुप्ति होने लगती है, तो इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए वो हम यहाँ पर जैव विविधता और संरक्षण जैसे टॉपिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है पर्यावरणीय अवनयन व प्रदूषण, जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण किस तरीके से ह्रास की ओर जा रहा है, किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, और उसके साथ साथ जब पर्यावरण को नुकसान होता है तो वहाँ पर उसके कारण क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या प्रदूषण के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। प्रदूषण के कई सारे प्रकार हैं और ये अलग अलग प्रकार के कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है जिसमें मानवों का एक बड़ा हस्तक्षेप दिखाई देता है। तो प्रदूषण क्या है, कैसे ये प्रभावकारी होते हैं, क्या समस्या इससे उत्पन्न होती हैं, इन सारी चीजों को हम यहां पर पर्यावरणीय अवनयन व प्रदूषण के टॉपिक में पढ़ते हैं। अगला एक और टॉपिक है पर्यावरण नियोजन व प्रबंधन, जब हम समस्याओं को पढ़ते हैं प्रदूषण के बारे में जानते हैं तो उनसे निदान कैसे किया जाना चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम किस प्रकार से एक बेहतर मैनेजमेंट का निर्माण कर सकते हैं, पर्यावरण से होने वाले नुकसानों से किस तरह से बचाव किया जाना चाहिए, इस सभी चीज़ों का अध्ययन हम पर्यावरण नियोजन व प्रबंधन के अंतर्गत करते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी चीज़ों के क्रियाकलापों से संबंधित समझौते, रिपोर्ट, सम्मेलन, वहाँ पर किए गए आपके कह सकते हैं कि समझौते हैं, ज्ञापन, विभिन्न देशों के द्वारा स्थापित किए गए मानक, टॉपिक्स को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो भी चर्चा होती है हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये क्या है, ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि हम पर्यावरण का विषय अध्ययन विषय क्षेत्र है जहाँ पर हम एक एक चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा इन्हीं एक एक टॉपिक्स को लेकर बनाऊंगा, तो इसलिए आपको रेगुलर रूप से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका अगले 7-8 वीडियो में यहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इन डिटेल्ड में आप इससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर समझ लिया कि पर्यावरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर किन किन विषय वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या हम वहाँ पर पढ़ते हैं। अब इसके अगले संदर्भ में आइए जानने की कोशिश करते हैं और भी क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मानव और पर्यावरण के संबंधों की जानकारी लेते हैं। देखिए मानव और पर्यावरण का संबंध आज का नहीं है, अगर हम मानव और पर्यावरण संबंधों की समीक्षा करें तो प्राचीन काल से या उससे भी पहले प्रागैतिहासिक काल से इसको हम देखने की कोशिश करते हैं और वर्तमान समय तक यहाँ पर मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिला है उसकी आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अगर हम बात करें कि अगर आप प्रागैतिहासिक काल में जाएँ तो मानव एक सामाजिक मानव नहीं था, वो किसी के साथ नहीं रहता था, वो एक जीवित था, भौतिक मनुष्य था और वहाँ पर एक आखेटक के रूप में कार्य करता था अर्थात जीवों का शिकार करता था और अपनी भूख को शांत करता था। ऐसे मनुष्यों को हम भौतिक मनुष्य कहते हैं और यहाँ पर ये पर्यावरण में सिर्फ एक कारक के रूप में कार्य करता था जहाँ पर वो भी एक खाद्य श्रृंखला का सिर्फ हिस्सा था। इसके बाद अगली कड़ी आती है जहाँ पर पशुपालन करना शुरू करता है मनुष्य अर्थात पशु ऐसे पशुओं को पालना शुरू कर देता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होते थे, जैसे कि आपको गाय हो गए, आपकी भेड़ बकरियाँ हो गई, जिनसे वो दूध इत्यादि प्राप्त कर पाता था।
ऐसी स्थिति में वहां पर क्या हुआ कि मनुष्य ऐसे मनुष्यों को हम सामाजिक मनुष्य कहने लगे, अर्थात वो एक समाज का धीरे धीरे निर्माण करने की ओर आगे बढ़ा। इसी के कारण वहां पर वो एक ग्रुप और समुदाय में रहना शुरू करने लगा, उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, उसने पशुओं को पालना शुरू किया और धीरे धीरे उसने प्रकृति में एक कारक की भूमिका से रूपांतर करना की कर्ता की भूमिका में आए, क्योंकि जब वो पशुओं के साथ रहता था तो उनको चराने के लिए एक जगह दूसरी जगह ले कर जाता था, जिसके कारण वहां पर कह सकते हैं कि प्रकृति में किसी प्रकार के परिवर्तन होना प्रारंभ होते हैं। खेतों की आगे चलकर वो इससे बड़े परिवर्तन करता था, कह सकते हैं कि एक परिवर्तनकर्ता की रूपांतरकर्ता से परिवर्तनकर्ता की भूमिका में आ जाता है जब वो कृषि करना शुरू करता है। कारण क्या था कि कृषि के कारण उसने जंगलों को काटना शुरू किया, बड़े स्तर पर जंगलों को काटना शुरू किया। जंगलों को काटने के पश्चात उसने कृषि प्रारंभ की, अपनी भूख को तो शांत किया ही किया, साथ ही वहां पर उसने एक आर्थिक मनुष्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया, उसका व्यापार करना उन्होंने शुरू किया, सामाजिक रूप से पहले ही बसना शुरू हो गए थे और आर्थिक व्यापार की प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया और इसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर मनुष्य के कह सकते हैं मनुष्य के स्वरूप में देखने को मिला। उसका जो प्रभाव था पर्यावरण पर वो बहुत ज्यादा पहले से बदल चुका था। और इसके आधुनिक स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर हम पाते हैं कि मनुष्य औद्योगिकरण के दौर में, आधुनिक भारत के समय में, आधुनिक काल के समय में अगर हम देखें तो वह औद्योगिकरण के दौर में प्रवेश कर चुका था। औद्योगिकरण के समय बड़ी बड़ी मशीनों इत्यादि का प्रयोग किया जाना, जंगलों का बड़े स्तर पर कटाई करना, बांधों जलाशयों और जलाशयों पर बांधों का निर्माण किया जाना, नए नए शहरों का विकास करना, उसके लिए जंगलों की कटाई करना, जिसके कारण बड़े स्तर पर वनों का विनाश हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी, जीवों का कह सकते हैं कि वहाँ पर क्षरण हुआ, शिकार काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ, विलुप्ति के कारण बने और इस कारण से एक जो कह सकते हैं समायोजन स्थापित था पर्यावरण में वो समायोजन यहाँ से बिखरता हुआ दिखाई देता है। और इसके कारण हम अगली जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कि पर्यावरण पर जो ये मानव ने अपनी भूमिका में परिवर्तन लेके आए, पहले कारक था, फिर रूपांतरकर्ता बना, फिर परिवर्तनकर्ता और लास्ट में इसको हम विध्वंसकर्ता के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जिसका प्रभाव कैसे पड़ा है, प्रभाव के कैसे स्वरूपों के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए पर्यावरण पर जो मानव का प्रभाव है वो दो तरीके से आप देख सकते हैं। पहला जो माध्यम है प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ऐसे प्रभाव की बात की जाती है कि जहाँ पर उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमें तुरंत दिखाई देता हो, अर्थात तुरंत उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देने लगता हो। इसके अलावा मनुष्य ये भी जानता है कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष परिवर्तनों को किस प्रकार बदला जा सकता है, वहाँ पर क्या सुधार करने की आवश्यकता है, उसने कहाँ गलती की है और उसे किस हद तक जाकर या किस पॉइंट पर जाकर उसे ठीक करना है। ऐसे प्रभावों को मूलतः हुआ प्रत्यक्ष प्रभाव कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत उसके जो काम आते हैं उनको देख लेते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने का तात्पर्य है कि जैसे कि पहले मनुष्य ऐसी भूमि जहाँ पर एक वन था, वनों पर वो फल इत्यादि के माध्यम से अपने पेट पूजा कर सकता था, आगे चलकर उसने उन वनों को काट दिया। पहले जो भूमि पर जो जंगल था, आगे चलकर उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि के कारण वहाँ पर जंगलों की कटाई हुई, कई सारे जीवों वहाँ पर विनाश हो गए। प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा कि पहले वन था, बाद में वन नहीं है क्योंकि उसने कृषि वहाँ पर करनी शुरू कर दी, जिसके लिए उसने वन को काट दिया। इसके पश्चात निर्माण एवं उत्खननकर्ता का कार्य। निर्माण कार्य जैसे कि नदियों पर जला कह सकते हैं बांधों का निर्माण किया जाना, कई सारे खनिजों की प्राप्ति के लिए उत्खनन का कार्य करना, तो जैसे एक स्वरूपों में उसने क्या किया, परिवर्तन किया। एक जगह पर उसने वनों की कटान कर दी, जिसके कारण पर्यावरण धीरे धीरे दूषित होना प्रारंभ हुआ, उनके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की क्षमता, जीव जंतुओं के विनाश हुआ। दूसरी तरफ उसने क्या किया कि उत्खननकर्ता का काम किया, अर्थात कह सकते हैं कि कई सारे खनिजों के उत्खनन निर्माण इत्यादि का कार्य उसने प्रारंभ कर दिया, जिससे स्थिति यह हुई कि जमीन के अंदर जो कह सकते हैं धसाव की स्थिति प्रारंभ हो गई थी। कई जगहों पर जैसे कि आप देखते हैं कोयले की खदान है, वहाँ पर आप आए दिन सुनते रहते हैं कि कहीं आपको धस गई है वहाँ पर, तो एक स्थिति होती है जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर दोहन करते हैं किसी चीज़ का तो वहाँ पर उसके नुकसान आपको देखना पड़ते हैं। इसी के अंतर्गत अगर हम और चीज़ों की बात करें तो अगला आता है मौसम रूपांतरकर्ता के रूप में। मौसम रूपांतरकर्ता के रूप में आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में अलग अलग देशों के द्वारा मेघ बीजन की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। मेघ बीजन का मतलब होता है जहाँ पर क्लाउड सीडिंग के तहत बादलों में जाकर कुछ केमिकल डालकर वहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इस कृत्रिम वर्षा के कारण वहाँ पर एक प्राकृतिक स्वरूपों में आप परिवर्तन करते हैं, अर्थात प्राकृतिक वर्षा ना होकर आप जब चाहें तब वहाँ पर वर्षा कराते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण वहाँ पर केमिकल का जो होता है विस्तार जो होता है आपके
वायुमंडल में पहुंचता है और उसके जो नुकसान होंगे वर्षा जल इत्यादि के रूप में आपके जमीन इत्यादि पर पड़ेंगे, जीव जंतुओं पर पड़ते दिखाई देते हैं। एट द लास्ट नाभिकीय कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रत्यक्षता प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। नाभिकीय कार्यक्रम के द्वारा जहाँ तरफ एक देश दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा के नाम पर वहाँ पर नए नए नाभिकीय हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नाभिकीय ऊर्जा का भी प्रयोग किया जा रहा है। नाभिकीय ऊर्जा के तहत वहाँ पर आप भारत हो या जापान हो या अन्य देश हो, वहाँ पर सभी इसका निर्माण कर रहे हैं। युद्धपोतों में भी नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोगों की बात की जा रही है, चाहे वो जलपोत हो, वहाँ पर उनके ट्रैवलिंग की भी अच्छी खासी वहाँ पर कहते हैं स्पीड या फिर आपको बार बार ऊर्जा की आवश्यकताएँ नहीं पड़ती हैं। इसी संदर्भ में इसके नुकसान भी अपनी जगह हैं, जैसा कि आप चेर्नोबिल की घटना देख सकते हैं और इसके अलावा आप फुकुशिमा नाभिकीय संयंत्र की बात आप जानते ही होंगे। नाभिकीय हथियारों के तहत ही इन सारी कह सकते हैं कि विकिरण की जो समस्या होती है उसका जो सीधा प्रभाव होता है वो मनुष्यों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। चलिए ये तो बात हो गई जहाँ पर हम प्रत्यक्ष प्रभावों की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रत्यक्ष प्रभाव ही हैं, कई सारे अप्रत्यक्ष प्रभाव भी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य मनुष्य के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो उस समय तो वहाँ पर परिवर्तन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात वो परिवर्तन दिखाई देते हैं और ऐसे परिवर्तन कई बार कह सकते हैं कि उनको बदला भी नहीं जा सकता, इस स्थिति को प्राप्त कर चुके होते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष प्रभावों की अगर आप चर्चा करते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन चलिए प्रत्यक्ष प्रभावों की हम बात कर रहे थे। प्रत्यक्ष प्रभावों को और एग्जांपल स्वरूप अगर हम समझना चाहें तो आप देखते हैं कि जैसे आप वनारोपण है, वन को काटते हैं, तो वन वहाँ पर अगर कहीं वन है तो वहाँ पर सबसे अच्छी बात होती है कि वर्षा अच्छी खासी होती है। अगर आप वन को काट देते हैं तो वहाँ पर आपकी जो मिट्टी होती है वो शिथिल हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, आसानी से जो होते बरसात के टाइम समय पर वो बह के नदियों और नालों में चली जाती है, अर्थात मृदा अपरदन की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। मृदा अपरदन के कारण वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो सीधे आपके नदियों में चली जाती है। नदियों में जाने के कारण वहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे नदी के कह सकते हैं कि जो जल धारण जो क्षमता होती है वो कमी हो जाती है, क्योंकि उनकी जो तली में जो होता है मिट्टियाँ जो होती हैं भर जाती हैं। इसके कारण कई बार नदी अपने मार्ग जो होती हैं बदल देती हैं और वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्याएँ आती हैं। बाढ़ के कारण वहाँ पर जल मनुष्यों को और पशुओं को और जो भी आपकी अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी नुकसान होता है। ऐसी स्थितियों में वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मनुष्य ने एक प्रत्यक्ष प्रभाव के एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि मनुष्य ने यदि वहाँ पर वनों की कटाई ना की होती तो उसे आज ये बाढ़ जैसी समस्याओं का भी सामना नहीं करना हो रहा होता। तो मनुष्य को ये पता है कि यदि हम वनारोपण की स्थिति को फिर से वहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये जो एक सिलसिला प्रारंभ हुआ था इस तरह की स्थितियों का वो रुक सकता है। ठीक इसी तरह से उत्खनन और निर्माण कार्यों को आप देख सकते हैं। उत्खननकर्ता जो करते हैं कि आप लगातार मिट्टी को आप जो होते हैं निकालते चले जाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि ज़मीन के अंदर एक कोटर की स्थिति बन जाती है, एक गहरा गड्ढा बन जाता है, एक खाली स्थान बन जाता है। और खाली स्थान के कारण कई बार दो तरह की स्थितियाँ होती हैं कि कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं, जैसे कैलिफोर्निया सिटी को आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कैलिफोर्निया में वहाँ पर मिट्टी का 1 से 3 मीटर तक धंसाव हो गया। किस कारण? क्योंकि वहाँ पर जल का दोहन बहुत बड़े स्तर पर किया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यदि आप किसी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पानी के दोहन करने के लिए उसको लगातार आप काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं और ऐसे ही कोटर बन जाते हैं, और तो उसमें होता क्या है कि उन कोटरों में समुद्री का जल जो होता है वो भर जाता है और उसके कारण जो आपका भूमिगत जल पीने का पानी होता है वो भी वहाँ पर दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की स्थितियों से हमें बचना चाहिए, ये ना सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि यहाँ पर पूरे मनुष्य जाति संप्रदाय और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होते हैं। चलिए इनके प्रभाव तो आपको यहाँ पर ठीक है समझ में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे प्रभाव हैं जो आपको बहुत लंबे समय के पश्चात दिखाई देते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कौन से प्रभाव हैं। देखिए अप्रत्यक्ष प्रभावों के अंतर्गत सबसे पहले कृषि रसायनों का प्रयोग। आज वर्तमान समय में आप कई सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं, यूरिया है, DDT है, बहुत सारी अन्य चीज़ों, DDT तो फिर भी आपने वहाँ पर उसके प्रयोग को रोक दिया है, लेकिन एक समय तक इसका बड़े मात्रा पर प्रयोग किया जाता रहा। इन्हीं रसायनों के कारण अगर आप देखें तो साइक्लोफेन जैसी स्थितियाँ हैं, या फिर आपको नेप्थलॉन है, या फिर डाइक्लोफेन है, इस तरह की कारण आप गिद्धों की प्रजातियाँ एक बड़े स्तर पर वहाँ पर उनके विनाश का कारण बनी इन्हीं कृषि रसायनों के कारण। मनुष्य को ये तुरंत नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक लंबे समय के पश्चात हमें पता चला कि गिद्ध की जो एक प्रजातियां थी वो काफ़ी विलुप्त होने की श्रेणी तक चली गई हैं।
इसके अलावा जो कृषि रसायनों के रूप में आप चीज़ें यूज़ करते हैं, DDT है या यूरिया है, वो धीरे धीरे मनुष्य के द्वारा कृषि में डाले जाने के पश्चात पानी का वहाँ पर कह सकते हैं खेतों में डाला जाता है। वो पानी जो होता है धीरे धीरे उसके बीज के रूप में वहाँ पर संचित होता है। उस बीज में वो जाते हैं आपके संचित हो जाते हैं कीटनाशक पदार्थ। वही कीटनाशक जो पदार्थ होते हैं वो फूड के रूप में एक मनुष्य अर्थात महिला या पुरुष के बच्चे के पेट में जाते हैं, जो उनको इन्फेक्शन करते हैं, फैलाते हैं या बीमार कर देते हैं। ये भी बातें सामने आई है कि इन्हीं कीट रसायनों का जैसे DDT है या अन्य चीज़ें आती हैं, यदि किसी गर्भवती महिला के द्वारा इनका सेवन किया जाए तो वहाँ पर गर्भाशय जो होता है, गर्भपात की समस्याएं भी बड़े स्तर पर देखी गई हैं इन्हीं कृषि रसायनों के कारण। तो ये क्या है, आप एक बड़े स्तर पर इनका काफ़ी समय पश्चात, और वहीं पर नहीं दिखाई देंगे बल्कि काफ़ी समय पश्चात और किसी दूसरे व्यक्ति पर उसका प्रभाव आपको पड़ता हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं, कई सारी कंपनियों के द्वारा अपनी जो पानी होता है, जो कह सकते हैं गंदा पानी होता है, बिना उसका निस्तारण किए हुए वो नदियों में उसको मतलब छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नदियों का पानी जो होता है दूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों में रहने वाले जीव जो होते हैं उन पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है, वो भी वहाँ पर नष्ट होते हैं, वहाँ पर विलुप्त होने का कारण बनता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, धातु हैं, सोडियम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, भारी धातुओं का विमोचन करना हो गया, और कारखानों का जो अपशिष्ट होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं आप नदियों में ही डाल देते हैं, और इसी कारण आप देख सकते हैं न सिर्फ नदियों में बल्कि आप नदी नाला नहरों में, तालाबों में, झीलों में आप इसका बड़े स्तर पर कहते हैं निस्तारण करते हैं। और निस्तारण ये भी नहीं करते हैं कि आप चलिए आप उसको पुनर्चक्रीकरण के दौर से लेकर जाते हैं और एक उसके बाद जो भी उसके विषैले पदार्थ उसको निकाल के फिर आप उसको बाहर करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कंपनी वाले, जिसके कारण क्या होता है, बेंगलुरु में आपने देखा होगा कि वहाँ पर उनकी झीलों में लगातार आग लगने की घटनाएँ वहाँ पर हुई हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे के जो कारण हैं वो आपके मनुष्यों के द्वारा भी कह सकते हैं, और उनके जो भी कंपनियां हैं, औद्योगिक घराने हैं, कंपनियों के द्वारा अपनी सीवरेज जो तरह का होता है, पानी जो होता है ख़राब होता है, उनको उन तरह के निस्तारण के कारण होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम और बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी घटना है जहाँ पर तापमान लगातार आपके वायुमंडलीय जो तापमान है हमारा वो लगातार बढ़ा है, पृथ्वी जो होती लगातार गर्म होती जा रही है, और इसी का उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों के जो बर्फ रही है वो लगातार बहुत तेज़ी से पिघली है, वहाँ के तापमान में वृद्धि हुई है, और इन सभी के चलते ये भी कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर स्थिति यही बनी रही तो बहुत ही जल्द जो भी आपके आर्कटिक जैसे क्षेत्रों की जो बर्फ है वो आपको इन फ्यूचर शायद 2030, 40, 50 तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। समुद्री जलस्तर का बढ़ना होगा, कई सारे आपके शहर डूब जाएंगे, खाद जो होती है कई जगहों पर आपकी सूखे की स्थिति आ सकती है, आपको भुखमरी की समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, और इन सभी स्थितियों से यदि आपको बचना है तो वहाँ पर आपको अभी इस पर सोचना होगा और इसके लिए एक सही निर्णय लेना होगा। तो यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं कि मनुष्य ने अपनी भूमिका में जिस तरीके से बदलाव किए हैं, उन बदलावों के कारण पर्यावरण पर क्या क्या आपको प्रभाव देखने को मिला है। प्रभाव आपके दोनों तरीके के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के। तो यहाँ पर इस तरह यदि आपको मेंस का कोई क्वेश्चन लिखने को आता है इन संदर्भों में, तो उसको भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण के संदर्भ में आपको यहाँ पर मेंस का भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है कि मानव पर्यावरण के संबंधों का विस्तार करते हुए समझाते हुए उसके प्रभावों की समीक्षा करें, तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं, देखिए मानव और पर्यावरण के मध्य कैसी कैसी क्या संबंध है, इसको लेकर यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन अवधारणाओं में एक अवधारणा है आपकी नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा कहने का मतलब जो भी यहाँ पर जैसे रेडजेल हैं, आपको हम्बोल्ट हैं, उन्होंने इस अवधारणा को यहाँ पर बात की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अवधारणाओं के तहत प्रकृति जो होती है यहाँ पर सर्वे सर्वा होती है, अर्थात प्रकृति का मनुष्य पर वहाँ पर प्रभावकारी भूमिका होती है और मनुष्य सिर्फ एक यहाँ पर कारक के रूप में भूमिका का निर्वहन करता है। इसी तरह यदि हम बात करें संभववादी अवधारणा की, तो संभववादी अवधारणा को लेकर यहाँ पर फ्रैबे हैं, डिब्रूश हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर मानव इस कदर हावी हो चुका है कि वो पर्यावरण को जैसा चाहे वैसा वहाँ पर बदल सकता है, बस उसके लिए उन्हें कुछ पूंजी संसाधनों की आवश्यकता है, यदि उनके पास ये सुलभ हो जाती है तो पर्यावरण को अपने अनुरूप वहाँ पर ढाल सकते हैं।
तीसरी अवधारणा यहाँ पर नवनियतिवादी अवधारणा है। नवनियतिवादी अवधारणा यहाँ पर नियतिवादी और संभववादी दोनों ही अवधारणाओं को वहाँ पर वो खंडित करती है और कहती है कि उनका जो अपना पक्ष है, अपनी नीति है, वो कहते हैं कि रुको और जाओ, अर्थात एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पर सबसे पहले आप प्रकृति का एक अवलोकन करिए। प्रकृति अपने आप में खुद एक बहुत ही संपूर्ण है, विशेष है, इसलिए प्रकृति का सबसे पहले आपको अवलोकन करना चाहिए और उसके अनुरूप अपने कह सकते हैं कि पॉलिसीज या नीतियों का निर्माण करना चाहिए। नवनियतिवादी अवधारणा को कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा के रूप में भी देख सकते हैं, जहाँ पर वो संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात करते हैं। इसके अलावा कृतिवाद है। कृतिवाद के अंतर्गत भी यहाँ पर मानव और पर्यावरण के संबंधों को लेकर एक समीक्षात्मक भूमिका की बात कही है, जिसमें कहा गया है कि मानव जो होता है अपने पर्यावरण को एक स्थिति या संभावित स्थिति तक परिवर्तित कर सकता है, अर्थात एक निश्चित स्थिति कर वहाँ पर परिवर्तन लाने की क्षमता है मनुष्य में पर्यावरण के अंतर्गत। मानकी दृष्टिकोण जो बात करता है वो कहता है कि मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को वो सर्वोत्तम या आदर्श के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अर्थात मानकी पर्यावरण दृष्टिकोण ये कहता है कि जहाँ मानव और पर्यावरण के मध्य एक ऐसे संबंधों को विकसित करने की कोशिश की जानी चाहिए जहाँ पर ये दोनों ही अपने आप में सर्वोत्तम और आदर्श की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात दोनों के मध्य एक बेहतर समायोजन स्थापित हो पाया हो। और एट द लास्ट आपको पारिस्थितिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण भी मानव पर्यावरण के संबंधों को अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करता है और वहाँ पर सिर्फ पारिस्थितिक तंत्र में मानव को एक घटक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये कुछ अवधारणाएं थीं जहाँ पर मानव और पर्यावरण के संबंधों को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं और पर्यावरणविदों ने अपने अपने अनुसार अपनी अवधारणाओं के अनुसार बताया है। अब बात करते हैं कि मानव और पर्यावरण के मध्य जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नवनियतिवादी अवधारणा विकसित की गई, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो आइए समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये अवधारणा क्या है और इसके अंतर्गत किस किस तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर हम बात करें तो रियो डी जेनेरियो का आपको 1992 पृथ्वी सम्मेलन आपको याद होगा, जहाँ पर आपको पृथ्वी सम्मेलन भी नाम दिया गया था और भारत एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात की जाने शुरू हुई थी। 2002 की बात करें तो वहाँ पर उसका मुद्दा ही सतत विकास था और उसी के आधार पर आगे चलकर आपके 2012 में रियो 20 के नाम से फिर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सभी जो सम्मेलन हुए बेसिकली पृथ्वी और पर रहने वाले जीवों के और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए एक बेहतर विकास एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए थे। यहाँ पर इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन IUCN करता है, जो संस्था यहाँ पर कह सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर वहाँ पर एक विभिन्न प्रकार के आयोजन या सम्मेलनों के माध्यम से मानव पर्यावरण को एक साथ लाने की कोशिश करती है और वहीं पर सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। धारणीय और सतत स्थायी विकास का तात्पर्य क्या है, परिभाषा क्या है वो समझ लें। देखिए, धारणीय विकास से तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय की जो भी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति तो इस प्रकार करना है कि वहाँ पर भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को संरक्षित या सुरक्षित किया जा सके, अर्थात भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए वहाँ पर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही धारणीय विकास के अंतर्गत आता है। अब धारणीय विकास को यदि आपको प्राप्त करना है तो यहाँ पर एक उचित समायोजन स्थापित करने की कोशिश करनी होगी और इसीलिए यहाँ पर धारणीय विकास का मानव के साथ एक बेहतर अंतर संबंध स्थापित करना होगा, जिसके अंतर्गत यहां पर संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना होगा। और यह कैसे किया जा सकता है? धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहां पर स्थायी विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए कि यदि आपको स्थायी विकास या धारणीय विकास को प्राप्त करना है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ को प्राप्त करना है, तो यहां पर आपको निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्थायी विकास के सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां पर की गई कि धारणीय विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी का निर्माण करें, अर्थात एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास को लेकर बात की जा रही है, ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण की बात की जाती है, ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण की बात की जाती है, तो आजकल हर एक तरह की या फिर ग्रीन आपको बायोफ्यूल, जैसे बायोफ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रीन आपको एनर्जी की बात की जाती है, तो ऐसी एनर्जी, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी बिल्डिंग या ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाए जो मूलतः कम से कम जो होते हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हों। और इसी के तहत यहाँ पर पारिस्थितिक मित्रवत प्रौद्योगिकी के निर्माण की बात की जाती है, अर्थात कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी आपके ऊर्जा या भी किसी का बिल्डिंग या भी कोई भी अवसंरचना जो भी आप निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर से कम कार्बन एमिशन होना चाहिए।
इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर की गई कि परियोजना मूल्यांकन करना। परियोजना मूल्यांकन करने के लिए वहाँ पर तीन बातें की गई कि परियोजना का कोई भी परियोजना जो भी आपके द्वारा निर्माण की जा रही है, यहाँ पर निर्माण करने के तीन पहलुओं को ध्यान में जरूर रखा जाए। अर्थात कोई भी परियोजना लागू करने से पहले या लागू करने के पश्चात वहाँ पर उसका अवलोकन या मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन करने के लिए वहाँ पर तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला यहाँ पर कि पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान रखना चाहिए, साथ ही वहाँ पर आपको पारिस्थितिक संतुलन और आर्थिक दक्षता, इन तीनों ही चीज़ों का वहाँ पर संतुलन होना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा से तात्पर्य है कि जो भी चीज़ आप निर्माण करने जा रहे हैं वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए आपके उस प्रोजेक्ट के माध्यम से। दूसरा पारिस्थितिक संतुलन, अर्थात वहाँ पर जीव जंतु इत्यादि और साथ ही साथ मानव के मध्य एक बेहतर संतुलन का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात विकास भी आपका हो पाए और साथ ही साथ वहाँ पर पर्यावरण भी संरक्षित रहे। इसके अलावा आर्थिक दक्षता, आर्थिक दक्षता से तात्पर्य है कि इकोनॉमिकल संदर्भों से वहाँ पर उसको पैसे बहुत ज़्यादा न लगें और वहाँ पर विकास भी बहुत तीव्र गति से हम प्राप्त कर सकें, अर्थात कम पैसे लगाकर वहाँ पर बेहतर तरीके से लाभ को प्राप्त करने की स्थिति। इसके अलावा बात की जा रही है कि उत्पादन के विकेंद्रीकरण, अर्थात यहाँ पर जब भी आपको किसी एक विशेष क्षेत्र से ही आप सभी चीज़ों का दोहन करना शुरू कर देंगे तो वहाँ से वो सारी चीज़ों का एक साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उत्पादन के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखें। विकेंद्रीकरण के तहत यहाँ पर हर एक, जैसे कि अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें, एक योजना लेकर आई गई थी जहाँ यूपी में बात कही कि हर एक जिले, एक जिला एक उत्पाद, जिसका तात्पर्य था कि हर एक जिले में सिर्फ एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाए, इससे पर्टिकुलर उस क्षेत्र में उन्हीं चीज़ों का निर्माण होगा और वहां पर संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इसी तरह से यहां पर प्राकृतिक संसाधनों के निर्माण की बात की जा रही है कि यहां पर हर एक वस्तुओं का उत्पादन वहां पर एक सीमित मात्रा में किया जाए, उसके बाद से कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, दूसरी जगहों पर उसका काम किया जाए उसी से, और उसके बाद फिर कुछ समय पश्चात आप वहां पर वापस आए। तो यहां पर उससे क्या होता है, एक प्रकृति को एक टाइम समय मिल जाता है जहां पर वो अपने आप को फिर से कह सकते हैं कि पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर पाए जहां पर उसका अपने प्रारंभिक स्थिति को लेकर बात करता है। इसके बाद कहते हैं कि संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है। संरक्षण भी आप तभी कर पाएंगे जब आप उत्पादन का विकेंद्रीकरण कर पाएंगे। संरक्षण करना क्या है कि आप उसको एक निश्चित मात्रा तक यूज़ करें, जैसे कि पानी, पीने के पानी का है। पीने के पानी को लेकर वर्तमान समय में आपने कई राज्यों में, शहरों में पीने के पानी की किल्लतें देखी होंगी, बेंगलोर में हो या फिर आपका महाराष्ट्र में हो या फिर हिमाचल प्रदेश में हो, जहाँ पर पानी के पीने की किल्लतें हो रही हैं वहाँ पर पानी सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, गर्मी के दिनों में ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पानी का किस तरीके से हम संरक्षण कैसे करते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए क्या पॉलिसीज़ हो जाती हैं, जैसे कि आपको बरसात के समय में कहा जाता है कि रेन हार्वेस्टिंग आपको प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग प्रणाली क्या है, जहाँ पर आपके जो भी आपका घर है, आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर एक पाइप के माध्यम से बरसात के समय सभी पानी को एक टैंक में जो होता है संग्रहित करना, फिर उस टैंक के पानी को वहाँ पर प्योरीफाई करना और प्योरीफाई करने के पश्चात उसको बाकी अपने कामों के लिए यूज़ करना, पीने के लिए या बाकी सारे कामों के लिए। फिर उसके बाद आपका जो भी पानी वेस्ट होता है उसका फिर पुनर्चक्रीकरण करना, उसको वापस से प्रयोग में लाया जाना। इस प्रकार के माध्यम से आप संसाधनों का बेहतर संरक्षण कर सकते हैं और वहां पर उसके रिसाइकल और रीयूज के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। प्रभावशाली जवाबदेही, जवाबदेही सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं। एक प्रभावशाली जवाबदेहिता न सिर्फ ये तय करेगी कि वहाँ पर संसाधनों का बेहतर उपयोग और विकेंद्रीकरण सुनिश्चित होता है, बल्कि एक उत्तरदायित्व की भावना को भी लेकर आती है और अपने कामों के प्रति एक सजगता भी लेकर आती है। इसलिए प्रशासन, जनता और उसमें से जुड़े हुए उस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने वाले हर एक व्यक्ति की यहाँ पर जवाबदेही को तय किया जाना चाहिए। पारिस्थितिक सार्थकता होना बहुत ज़रूरी थी, अर्थात यहाँ पर लोगों को पर्यावरण, जीवों और उसके संसाधनों के उपयोग से संबंधित साक्षर होना, अर्थात जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पर्यावरण के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान होंगे, अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर सभी लोगों के पास होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा, यदि आपको स्थायी विकास को प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर कौन कौन से सिद्धांतों को अप्लाई कर सकते हैं जिसके माध्यम से इसे एक बेहतर स्थायी डेवलपमेंट या धारणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में स्थायी विकास को प्राप्त करने संबंधी भी कुछ प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत कृषि और सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया गया, अर्थात कृषि के साथ साथ वानिकी को बढ़ावा देना और समाज के लोगों का वहाँ पर वृक्षारोपण और वनारोपण की प्रक्रिया में भागीदारी करना। जैसे होता है कि आपको कृषि के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर कृषि के मेड़ों या पर वहाँ पर आप पेड़ लगा देते हैं और बीच में जो होता है आप खेती करते हैं। इस तरह समाज के जो लोग होते हैं वहाँ पर सामाजिक वानिकी तरह एक ग्रुप में मिलकर वृक्षारोपण एवं वनारोपण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, पानी
खाद्यान्न खाद बीज की वहाँ पर स्थिति को देखते हैं और एक क्षेत्र में वहाँ पर वनारोपण करते हैं। तो इस तरह की स्थितियों के कारण वहाँ पर कृषि और सामाजिक वानिकी का विकास हुआ और वृक्षारोपण और वनारोपण के क्षेत्रों में धीरे धीरे आपके भारत में वृद्धि हुई। इसके अलावा वनारोपण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। मृदा संरक्षण व प्रतिभूमि विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत मृदा संरक्षण में क्या है कि कई बार क्या होता है, जो भूमि होती है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वही आपका उपजाऊ होता है। कई बार यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा आपको कृषि में जो होता है कि आप उसकी सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई के कारण जो पानी के साथ उसकी ऊपरी परत जो आपका कह सकते हैं कि उपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टी वहाँ से बह के निकल जाती है। और जब आपकी उपजाऊ मिट्टी निकल जाती है तो वहाँ पर नीचे की जो मिट्टी होती है वो बंजर होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फिर वहाँ पर लोग खेती करना बंद कर देते हैं, तो वह एक प्रतिभूमि की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे, इसके लिए भारत सरकार ने प्रतिभूमि विकास कार्यक्रम चलाया जिसके तहत किसानों को यहाँ पर इसकी जानकारी देना कि आप प्रतिभूमि को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं, कितना खाद पानी वहाँ पर देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन सी तकनीकी वहाँ पर आपका प्रयोग करें, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई तकनीकियों का प्रयोग किया जाना प्रतिभूमि के विकास के लिए। वहाँ पर नए आपके वृक्षारोपण वनारोपण और आपके कह सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना जिसके तहत उसको हम विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि जलवायु प्रादेशीकरण, अर्थात यहाँ पर जलवायु के अनुसार कृषि का वहाँ पर प्रादेशीकरण कर देना और जहाँ पर जिस प्रकार का जलवायु मौसम हो वहाँ पर उसी प्रकार की फसल इत्यादि को लेना, जिससे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। और इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि केमिकल इत्यादि का आपको वहाँ पर प्रयोग ना करें, बल्कि उसकी जगह जैविक कृषि को वहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वाटरशेड प्रबंधन, जिसके अंतर्गत यहाँ पर नहरों इत्यादि के माध्यम से वहाँ पर पानी के प्रबंधित करना और उसके आसपास प्रतिभूमि को वहाँ पर विस्तारित करके उसके प्रयोग को बढ़ावा देना, वनों इत्यादि का विस्तार करना, सिंचाई के लिए उस पानी का प्रयोग करना। शुष्क कृषि विकास, ऐसी कृषि जहाँ पर कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी फसलों का विकास जहाँ पर कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती हो, तो वहाँ पर इसका विकास किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देखें जिन क्षेत्रों में कम बरसात होता है, जैसे कि आपके राजस्थान के इलाके अगर आप देखें, आपका कर्नाटका के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर आप देखें, तो वहाँ पर आपको पानी बरसात जो होती है वर्षा के मौसम में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है और कई सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में आप बहुत ऐसी फसलों को ना लें जहाँ पर आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, बल्कि ऐसी फसलों का विकास किया जाना चाहिए जहाँ हम कृषि के कम से कम जो होता है पानी देके फसलों का विकास कर सके। जैसे कि आपके वो मोटे अनाज के फसल हैं, जैसे बाजरे जैसे फसलें हैं, जहाँ पर आपको कम पानी देकर उन चीज़ों का आप विकास कर सकते हैं। सस्यक्रम एवं फसल चक्रों का उचित निर्धारण करना चाहिए। जहाँ पर बात की जाती है कि एक बार अगर आप फसल चक्र का कहने का मतलब है कि आप ऐसी फसलें लीजिए जहाँ पर उसकी उत्पादन क्षमता लगातार बरकरार रहे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने दलहन की फसल ली है, तो दलहन के बाद फिर आप गेहूं के लीजिए। एक बार आपने गहरी जड़ वाली फसलों का अगर आपने एक बार कर लिया है, तो उसके बाद दोबारा गहरी जड़ों वाली फसल को ना करें, बल्कि एक हल्की कम जो होती गहरी जड़ों वालों का प्रयोग करें। एक बार अगर आपने मान लीजिए कि ज़्यादा पानी वाली फसल का प्रयोग किया है, तो नेक्स्ट टाइम जो होता है वहां पर उसका उचित उपयोग करने के लिए वहां पर कम पानी वाली फसलों का प्रयोग करें। तो यह क्या है कि आपके फसल चक्र और सस्य क्रम को बरकरार रखती है, उसका उपजाऊपन बना रहता है और साथ ही साथ वहां पर मिट्टी इत्यादि होती है शिथिल बनी वहां पर खराब नहीं होती है, बंजर होने की समस्याएं नहीं होती हैं। तो इस तरह की स्थिति का अगर आप प्रयोग करते हैं तो यहां पर आप स्थायी विकास के संदर्भ में कृषि इत्यादि को लेकर वनारोपण करके आप एक बेहतर स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। हालिया आपकी जो रिपोर्ट्स आई थी भारत सरकार की कृषि को लेकर वनों को लेकर, वहां पर यह भी दिखाया गया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र की अपनी रिपोर्टों में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्सों में भी दिखाया गया है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा तेजी से हरित क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित होता है, सबसे ज्यादा वनारोपण जैसे कार्यक्रमों में वहां पर सफलता जो होता है देखने को मिली है भारत जैसे देशों में। तो यहाँ पर हमने ये सारा कुछ आपको धारणीय विकास के संदर्भ में देख लिया। अब इसके साथ ही अभी हालिया कुछ करंट के संदर्भों को भी हम देख लेते हैं। करंट के विषय वर्ग में हमने देखा है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, एक समझौता एक ज्ञापन एक फ्रेमवर्क पर बनाया है। इसके अंतर्गत 2018 से 2022 के मध्य एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, एक फ्रेमवर्क यहाँ पर निर्धारण किया जाना है और इस फ्रेमवर्क के तहत निम्न चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश की जानी है। ये भी जो एक तरह का हिस्सा है वो धारणीय विकास को लेकर ही बात करता है कि भारत को धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे काम करना है। धारणीय विकास का जो लक्ष्य है बेसिकली सतत विकास का जो लक्ष्य 2030 तक का है और 2030 तक 17 जो वहां पर धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश की जानी है। तो यहां पर आइए देखते हैं कि भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क 2018 से 22 के अंतर्गत किन किन चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है।
पहली बात, यहाँ पर गरीबी व शहरीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित किया, अर्थात गरीबी को यहाँ पर कम करना है और शहरीकरण की प्रक्रिया को यहाँ पर एक नियंत्रित वे में आगे बढ़ाना है और शहरीकरण भी वहाँ पर एक वेल्ड प्लान के स्वरूप में आगे लेकर जाना है। इसके अलावा स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, अर्थात पीने का जो पानी है वह स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है और साथ ही साथ स्वास्थ्य को यहाँ पर बेहतर करने संबंधी कार्य योजनाओं का निर्माण करना है। शिक्षा को बढ़ावा देना है, यहाँ पर अशिक्षित लोगों की संख्या को कमी लानी है, स्कूलिंग को लेकर जो ड्रॉप आउट होने वालों की संख्या आपको बहुत ज़्यादा है उसमें कमी लेकर आनी है, दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूलिंग को लेकर वहाँ पर आपको विद्यालयों के स्कूलों कॉलेज की स्थापना करनी है। इसके अलावा पोषण व खाद्य सुरक्षा, जैसे कि सभी जानते हैं कि भारत में बड़े स्तर पर यहाँ पर गरीबी है और कुपोषण की समस्या आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि मान लीजिए अमीर भी हैं तो उन्हें पास उचित पोषण की समस्या है, वो बहुत ज़्यादा मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं, तो यहाँ पर उचित पोषण की एक समस्या है, तो यहाँ पर हम पोषण और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी क्रियाकलापों पर काम करना है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पर लेकर यहाँ पर किस तरह के फ्रेमवर्क बनाने हैं, उसके लिए क्या नीतियाँ होनी चाहिए उस पर लेकर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। हरित ऊर्जा के विकास पर काम करना है, भारत सरकार ने देखा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत ने यहाँ पर निर्माण भी किया है, कई सारे देश यहाँ पर अब तक जुड़ चुके हैं उसके, और हरित ऊर्जा के तहत यहाँ पर भारत सरकार ने इसको बड़े स्तर पर यहाँ पर सफल बनाने की भी कोशिश की है। आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करना, जैसे कि आप चक्रवात के कारण भारत में ज़्यादातर आपदाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं या फिर सूखा की स्थिति होती है, एल नीनो और लालीना की स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं, बाढ़ के कारण भारत में काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो ऐसी आपदाओं के समय किस तरीके से आपदा प्रबंधन करना चाहिए, आपदा पूर्व की स्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, आपदा पश्चात स्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, आपदा के समय आपको क्या प्रबंधन करना चाहिए, अवसंरचना कैसी होनी चाहिए, समय मेडिसिन स्वास्थ्य खाना पीने की वहाँ पर कैसे आप आपदा के समय व्यवस्था करेंगे, NDRF का क्या रोल होगा, इन सारी चीजों को लेकर यहां पर आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी काम करना है। इसके अलावा लैंगिक समानता की बात की जाती है, लैंगिक समानता अर्थात पुरुषों और महिलाओं को यहाँ पर कार्य करने, क्षेत्र, अधिकार, समय इत्यादि को यहाँ पर लेकर एक लैंगिक समानता की बात की जाती है, वेतन इत्यादि को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी बातें यहाँ पर उठने लगी हैं। इसके अलावा कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन, अर्थात स्किल इंडिया प्रोग्राम आपने सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से लोगों को, युवाओं को जो होता है कौशल युक्त बनाना है और उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना है ताकि वो वहाँ पर अपने कौशल युक्त होने के पश्चात वो अपना कहीं ना कहीं रोजगार कर सकें और भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। एट द लास्ट यहाँ पर युवा विकास कार्यक्रम भी अपनाने हैं जिसके माध्यम से युवाओं को एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्हें तैयार करना है। तो ये आपका भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क 2018-22 के दौरान क्या क्या चीज़ें यहाँ पर विकसित किए, किन किन चीज़ों को लेकर समझौते हुए हैं, किन किन वस्तुओं पर यहाँ पर काम करना है उसको लेकर यहाँ बात हो गई। एट द लास्ट यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 की बात कर लेते हैं। यह सूचकांक 2018 से जारी किया जाता है। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 3 यहाँ पर लोग सम्मिलित होते हैं, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय प्लस ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ और संयुक्त राष्ट्र संघ मिलकर यह आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को तैयार करते हैं। नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई उसे नाम दिया गया SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2019। इस बार के जो खास बातें यहाँ पर अगर देखी जाएं तो यहाँ पर 100 संकेतक यूज किए गए जिसमें से आपके SDG के भी 13 संकेतकों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर 100 संकेतकों को अंक दिए गए हैं जिसके आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके कह सकते हैं कि रिपोर्ट देखा जाता है, अर्थात उनकी प्रगति को देखा जाता है, जांचा जाता है। तो यहाँ पर मानक कुछ तय किए गए हैं, पैमाने निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि यदि कोई भी राज्य 0 से 49 अंक प्राप्त करता है तो वह उसे एस्पिरेंट का यहाँ पर दर्जा दिया जाएगा, एस्पिरेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी को 50 से 64 का यहाँ पर आपको अंक प्राप्त करता है, संकेतक उसको मिलते हैं, तो वहाँ पर उसे परफॉर्मर श्रेणी में रखा जाएगा। किसी ने यदि 65 से 99 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे आपको फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा जाएगा, और यदि किसी ने आपके 100 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे अचीवर का दर्जा दिया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि इस बार यहां पर सबसे ऊपर और नीचे की श्रेणियों में कौन रहा है। तो जैसा कि अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो पहला स्थान यहां पर आपको देखने को मिलता है ये आपको केरल का है। केरल को जो अंक मिले हैं यहाँ पर आपको 70 अंक मिले हैं। केरल के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्य आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सबसे खराब राज्यों की श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय यहाँ पर आपको टॉप जो होते हैं आपके 4-5 जो होते हैं स्टेट के रूप में सबसे नीचे से आते हैं।
इसके अलावा अगर हम यूटी की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर चंडीगढ़ का रहा है, और सबसे अगर खराब प्रदर्शन यूटी में बोला जाए तो लद्दाख का रहा है। ये हो सकता है आपको बहुत करंट रिलेटेड है, अभी 2019 में सूचकांक के रूप में जारी किया गया है, तो कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको एक बार और आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। एक बार मैं फिर आपको बता दूँ रिविजन के तौर पर, एक सीधा और संदर्भ तौर पर, यहाँ पर देखिए जो रैंकिंग जारी की गई, रैंकिंग कौन, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जारी करने वाले कौन कौन संस्थाएं से जुड़ी हुई हैं, रिपोर्ट का नाम क्या था, और यहाँ पर जो पैमाने तय किए गए हैं, और इसके अलावा सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने में राज्य के केंद्रशासित प्रदेशों की स्थितियां, इस तरह के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो सबसे अच्छा केरल जो राज्य के रूप में, सबसे खराब राज्य जिसने प्रदर्शन किया हुआ बिहार है, सबसे अच्छा यूटी जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है वो है चंडीगढ़, सबसे खराब जिसने प्रदर्शन किया है यूटी में वो आपका लद्दाख है। तो यहां पर हमने देखा जो अंक की बात करें तो बिहार को 53 अंक मिले हैं, इसके अलावा 70 अंक आपको मिले हैं केरल को, यूटी में अगर हम बात करें तो लद्दाख को यहां पर 59 अंक मिले हैं, और आपको चंडीगढ़ को भी यहां पर आपको 70 अंक आपको मिले हैं। तो ये आपका लिस्ट रही, ये आपका पॉइंट था, यहां पर टॉपिक था। तो यहां पर हमने आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक परिचय देखा, इसके अंतर्गत हमने थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन सीरीज के तहत यहां पर इसको हमने सारी चीजों को एक एक करके देखा, समझा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की संरचना में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र क्या है, पर्यावरण की यहाँ पर हमने मानव पर्यावरण संबंध को जांचा, यहाँ पर कैसे परिवर्तन हुआ, उसके कारण क्या थे, क्या बदलाव लेकर आए, प्रभाव जो आए और प्रभावों के स्वरूपों को देखा, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से उसे समझा, अप्रत्यक्ष प्रभावों को देखा, उसके एग्जांपल्स जाना, फिर मानव पर्यावरण संबंधी यहाँ पर अवधारणाओं की हमने एक रूपरेखा समझी, उसके बाद धारणीय विकास क्या है वो जाना, धारणीय विकास, स्थायी विकास को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम सिद्धांत, भारत में धारणीय विकास को काम करने के लिए अब तक किए गए कार्यक्रम, भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क और सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019। तो यहाँ पर ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले टॉपिक में जो सारी चीज़ें रह गई हैं यहाँ पर जो अध्ययन क्षेत्र हैं, इन्हीं अध्ययन क्षेत्रों को हम यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा काम यहाँ पर पूरा होता है और आपका काम यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर बिना कोई ढीले कह सकते हैं कि ज़्यादा समय इधर उधर खराब करने के बजाय एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके आप इसे रिवीजन के तौर पर प्रयोग करें, 50-60 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और आप 2 से 3 बार अगर इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको वापस बुक इत्यादि देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली सीरीज़ में मिलेंगे जल्दी ही, एक आपको एनवायरमेंट की एक और सीरीज़ लेकर मैं आऊँगा, और दूसरी आपको इकोनॉमी की सीरीज़ भी यहाँ पर जल्दी ही आपकी दूसरी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों की आपको क्विक रिवीजन सीरीज़ के तहत वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप इन दोनों ही सीरीज़ को, इकोनॉमी की और एनवायरमेंट के, इन दोनों ही पहले वीडियोस को 2 से 3 बार रिवीजन करके रखिएगा, ताकि आपको आगे के जो भी क्विक रिवीजन वीडियो आएंगे वहां पर अगर कोई इंटरलेट टॉपिक आएगा जो पीछे उससे जुड़ा हुआ होगा वहां पर आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।